नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कई तरह के मिशन पर काम कर रहे हैं। मिशन के तहत सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को नासा अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता है। कई बार ये तस्वीरें बहुत सुंदर होती हैं, तो कई बार बहुत डरावनी होती हैं। जो ताजा तस्वीरें नासा ने शेयर की हैं, उसे देखकर लोग हैरान हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंतरिक्ष में रेड स्पाइडर नेबुला की अद्भुत तस्वीरें शेयर की हैं। इस प्लेनेटरी नेबुला को फॉर्मली NGC-6537 के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये नेबुला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इसे देखकर लगता है कि इसमें साथी तारों के प्रभाव से टू लॉब्ड स्ट्रक्चर बना है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार लोबों में एस आकार का एक पैटर्न होता है और उनकी बाहरी सतह सपाट होने के बजाय खुरदरी और लहरदार होती है। नासा ने शेयर की गई तस्वीर में एक कैप्शन लगाया है जिसमें लिखा है कि प्लेनेटरी नेबुला की इस तस्वीर में गर्म गैस की नारंगी तरंगें एक ब्लैक विडो स्पाइडर के घुमावदार पैरों के समान एक गुलाबी चमकते कोर को घेरे हुए हैं। वहीं बैकग्राउंड को रोशनी के सफेद बिंदुओं के साथ देखा जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार रेड स्पाइडर नेबुला सबसे गर्म सितारों में से एक का घर है। दबाव के कारण इसके चारों ओर तेज गति के साथ गैस चलती है जो 100 अरब किलोमीटर ऊंची ध्वनि की गति से भी तेज शॉक वेव्स बनाता है। नासा द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में ये लहरें मकड़ी के पैरों की तरह दिखती हैं, जबकि सेंटर में तारा एक ब्लैक विडो स्पाइडर के जैसा दिखता है। सोशल साइट इंस्टाग्राम पर नासा की इस तस्वीर को 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूजर्स इस तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में कोई गड़बड़ी हो गई है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अब तक का सबसे अच्छा पोस्ट है। एक और यूजर ने लिखा कि जितनी खूबसूरत हमारी दुनिया है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हमारा ब्रह्मांड है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।